सुनामी खबर को आउ एक भयावह सुनामी रो सामना करिछि इंडोनेशिया। एथरो 222 जनकर मृत्यु होईछि आउ 600 रु अधिक लोक आहत होईछंती। शनिवार विलंबित राति रे आसीथिबा सुनामी रे सुंडा स्ट्रेट रो अनेक अंचल प्रभावित होईछि। सुनामी रो कारण पछरे सुंडा द्वीप रो एक आग्नेयगिरी रु लाभा उद्गिरण को दायी करा जाउछि। इंडोनेशिया रे आसीथिबा भयावह सुनामी रो ए थिला एक लोमहर्षक दृश्य। देशर एक लोकप्रिय पॉप बैंड 17 रो लाइव शो चलीथिला बेले निमिषक मध्यरे माड़ी आसीथिला सुनामी। केही किछि भाबिबा पूर्वरु सबु किछि छारखार होइ जायथिला। रिंग ऑफ फायर देश भाबे परिचित इंडोनेशिया सामना करिछि आउ एक सुनामी। ज्वालामुखी द्वीप सुंडारे आसीथिबा सुनामी रे 150 रु अधिक लोकंक जीवन जायछि। आहत होइछंती 600 रु अधिक। उपकूलवर्ती अंचल रे बड़ बड़ अट्टालिका माटी रे मिसि जायछि। समुद्र चट्टाण खसिबारु सुनामी आसीथिला। रिंग ऑफ फायर जोन रे थिबारु इंडोनेशिया हेउछि दुनियार सबुठारु अधिक भूकंप ओ सुनामी प्रवण देश। इंडोनेशियार सरकारी रिपोर्ट अनुसार शनिवार विलंबित राति रे सुंडा द्वीप रे माड़ी आसीथिला सुनामी। सुंडा द्वीप समेत सुमात्रा द्वीप रो लामपंग ओ सेरांग अंचल एवं जाभा द्वीप रो पांडेंगलांग अंचल मध्य बहुल मात्रा रे प्रभावित होईछि। मेट्रोलोजी एवं जिओफिजिक्स एजेंसी अनुसार समुद्र गर्भरे चट्टाण दोहली जिबारु सुनामी आसी थाइपारे। सुंडा द्वीपर निर्माण क्राकाटाओ नामक आग्नेयगिरीर लाभारु होईछि। क्राकाटाओ आग्नेयगिरीरे शेष थर पई अक्टोबर विस्फोरण होईथिला। प्रत्यक्षदर्शीक अनुसार सुनामी प्रभाव में समुद्र में 15-20 मीटर उच्च लहरी उठिथिला। शह शह बासघर भांगिजिबा सह अनेक माछधरा बोट क्षतिग्रस्त होईछि। सुनामी परे प्रभावित अंचल में रिलीफ और उद्धार कार्य आरंभ होईछि। चलित वर्ष इंडोनेशिया रे द्वितीय थर पई सुनामी आसीछि। पूर्वरु एही वर्ष सेप्टेम्बर सुलबेसु द्वीप रे आसीथिबा भूकंप ओ सुनामी रे 800 रु अधिक लोक प्राण हराइथिले। ब्युरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। आंचलिक दलगुडीको एकाठी हेबा सहित देशरे परिवर्तनर आवश्यकता रहिछि। देशकु कांग्रेस ओ बीजेपी रो शक्तिशाली विकल्प दरकार। एने विभिन्न आंचलिक दल सह आलोचना जारी रही आगकु भी जारी रहिबो। दुईदिनिया ओडिशा गस्तरे आसी नवीन निवास रे मुख्यमंत्री को साक्षात करिबा परे के चंद्रशेखर राव को एभली मंतव्य तृतीय सामुख्य चर्चा को खोराक जुगाई। एथिसो नवीन पटनायक को देशर रोल मॉडल बोली कहिछंती केसीआर। कृषकों उन्नति और महिला 33% स्थान संरक्षण प्रसंगे से नवीन को प्रशंसा करिछंती। सेपटे समभावापन्न दलगुडिक बंधुता नहीं मध्य आलोचना चली नवीन कहती। पोलाभरम महिला संरक्षण नहीं केसीआर आलोचना करिछंती मुख्यमंत्री। आसंता काली केसीआर पुरी और कोणार्क बुलिबा को जिबा कार्यक्रम रही से कोलकाता जिबार सूचना मिली। I congratulated him on his tremendous victory in the assembly elections in Telangana, also on his agricultural policy, which we too have brought out an agricultural policy which has some of the progressive points of the Telangana policy. We discussed the Polavaram issue and how to carry that forward. This is among the major subjects that Mr. Rao and I discussed. And also the 33% women's reservation in the Lok Sabha and the state assemblies. There is a dire need for the unification of the regional parties in the country. Yes, we strongly believe there has to be an alternative to Congress and BJP. I really heartfully congratulate Naveen ji for his very good initiative regarding the farmers, and he is a very senior chief minister in the country. He has been doing
lot of good things for the state of Odisha. I have no iota of doubt about it. He is a good model, role model. He is known to be a selfless political leader in the country, a tall personality. I really congratulate him on the recent policy of farmers which is brought out by Navinji. And he has also proposed, I received a letter in Hyderabad, proposing 33% reservation for women in the legislature at the state level and national level, both the legislatures. I congratulate him. We fully support the cause of women which he has taken up. He is a tall personality. And we hope something to emerge very recently. We will come out with full details very shortly. ଏପଟେ 2019 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିହାର ଏନ୍ଡିଏରେ ଆସନ ବୁଝାମଣା ନେଇ ରହିଥିବା ଅନିଶ୍ଚିତତା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘଦିନର କସରତ ପରେ ତିନିଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି ଆସନ ବଣ୍ଟନ। ଆସନ ବଣ୍ଟନ ଫର୍ମୁଲା ଅନୁସାରେ ବିଜେପି ଓ ଜେଡିୟୁ 17ଟି ଲେଖାଏଁ ଆସନରେ ଲଢ଼ିବେ। ଲୋକ ଜନଶକ୍ତି ପାର୍ଟି 6ଟି ସିଟ୍ରେ ଲଢ଼ିବ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜେପି ସଭାପତି ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ବୈଠକ ପରେ 2019 ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି ସିଟ୍ ସେୟାରିଂ ଫର୍ମୁଲା। ବିହାର ଏନ୍ଡିଏରେ ଆସନ ବୁଝାମଣା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆସନ ବୁଝାମଣା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସଭାପତି ଅମିତ ଶାହ। ବିଜେପି ଏବଂ ଜେଡିୟୁ 17ଟି ଲେଖାଏଁ ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ, ଆଉ ବାକି 6ଟି ଆସନ ଏଲ୍ଜେପି ଭାଗରେ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ କିଏ କେଉଁ ଆସନରୁ ଲଢ଼ିବେ ତାହା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ। ସେହିପରି ଏଲ୍ଜେପି ମୁଖ୍ୟ ରାମବିଳାସ ପାଶ୍ୱାନ ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ। ଆସନ ବୁଝାମଣା ନେଇ ବିଜେପି ସଭାପତି ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର, ଏଲ୍ଜେପି ମୁଖ୍ୟ ରାମବିଳାସ ପାଶ୍ୱାନଙ୍କ ସମେତ ମେଣ୍ଟର ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବୁଝାମଣା ଅନୁଯାୟୀ 2014 ନିର୍ବାଚନ ତୁଳନାରେ ବିଜେପି 5ଟି କମ୍ ଆସନରେ ଲଢ଼ିବ। ହେଲେ ବିହାରରେ ଏନ୍ଡିଏ 2014 ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହେବ ବୋଲି ବିଜେପି ସଭାପତି ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 17 ସିଟ ଉପରେ ଚୁନାଓ ଲଢ଼େଗି, ଜଦୟୁ 17 ସିଟ ଉପରେ ଚୁନାଓ ଲଢ଼େଗି ଔର ଲୋକ ଜନଶକ୍ତି ପାର୍ଟି 6 ଲୋକସଭା ସିଟ ଉପରେ ବିହାର ମେ ଚୁନାଓ ଲଢ଼େଗି। ରାମବିଳାସ ପାଶ୍ୱାନ ସାହେବ ବି ଏନ୍ଡିଏ କେ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ନାଟେ ରାଜ୍ୟସଭା ମେ ଏନ୍ଡିଏ କି ଓର ସେ ଆଏଁଗେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଗକୁ ଏକାଠି କାମ କରିବୁ ଏବଂ 2009ର ସଫଳତା ପୁଣି ଦୋହରାଇବୁ। ଏହା ସହ କିଏ କେଉଁ ଆସନରୁ ଲଢ଼ିବ ସେ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନୀତିଶ। ସମ୍ମାନଜନକ ଆସନ ବୁଝାମଣାକୁ ନେଇ ଅମିତ ଶାହ ଓ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ରାମବିଳାସ ପାଶ୍ୱାନ। 2009 ମେ ବିଜେପି ଓ ଜେଡିୟୁ କା ବିହାର ମେ ଗଠବନ୍ଧନ ଥା ଓ ଏନ୍ଡିଏ ଥା, ତ ଉସ ସମୟ 40 ମେ ସେ 32 ସିଟେ ହମ ଲୋଗୋଁ ନେ ହାସିଲ କି ଥି। 2009 ୱାଲେ ସେ ବି ଜ୍ୟାଦା ସିଟ ଉପରେ ଜିତେଙ୍ଗେ ଔର ପୁରି ମଜବୁତି କେ ସାଥ ଜିତେଙ୍ଗେ ଔର ହମ ସବ ଲୋଗ ମିଲକର ଇସକେ ଲିଏ ସଶକ୍ତ ଅଭିଯାନ ଚଲାଏଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହଜୀକୁ ହମାରେ ସାଥୀ ଓ ଭାଇ ନୀତିଶଜୀକୁ ଔର ଅଭି ନହିଁ ହେଁ ଲେକିନ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ସାହେବକୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେନା ଚାହତା ହୁଁ। ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହ, ଜେଡିୟୁ ମୁଖ୍ୟ ତଥା ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଏବଂ ଏଲ୍ଜେପି ମୁଖ୍ୟ ରାମବିଳାସ ପାଶ୍ୱାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଗୁଜରାଟର ଜସଦଣ ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବାଜି ମାରିଛି ବିଜେପି। ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ କୁମାରଜୀ ବାବଲିଆ ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କୁମାରଜୀ ବାବଲିଆ। କୁମାର ବାବଲିଆ ତାଙ୍କର ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ତଥା କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅବସର ନାୟିକାଙ୍କୁ 19,985 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ହରାଇ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର କୋଲେବିରା ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜୟ ହୋଇଛି। କୋଲେବିରା ଉପନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନବନ ବିକ୍ସଲ କୋଙ୍ଗାଡ଼ି ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କୋଙ୍ଗଡ଼ି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବସନ୍ତ ସୋରେଙ୍ଗାଙ୍କୁ 9,668 ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକ ଏନୋସ ଏକା ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ କୋଲେବିରା ଆସନରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା। କ୍ଷମତା ଲୋଭୀ କିଛି ଧନୀ ପରିବାର ସଂଗଠନ ହେଉଛି ମହାମେଣ୍ଟ। ବିଚାରଧାରାର ନୁହେଁ, ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରକ୍ଷା ଲାଗି ଚାଲିଛି ଲଢ଼େଇ।
2019 लोकसभा निर्वाचन लागि प्रस्तुत होता महामेंट को एपरी कही टार्गेट कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। प्रधानमंत्री सेंट्रल चेन्नई, साउथ चेन्नई, मदुराई, तिरुचिरापल्ली और तिरुवल्लर निर्वाचन मंडल में बीजेपी बूथ कर्मकर्ता संबोधित करने अवसर कहते विभिन्न राजनैतिक दल निजर अस्तित्व रक्षा करने एक अपवित्र मेंट गठन कांग्रेस को विरोध कर तत्कालीन आंध्रप्रदेश पूर्वतन मुख्यमंत्री एनटी रामाराव तेलुगु देशम पार्टी गठन करते टीडीपी कांग्रेस को साथी नहीं महामेंट गठन कर मोदी आहरी कहते राममोहनर लोहिया कांग्रेस विरोध करुते किंतु लोहिया द्वारा प्रेरित होता नहीं दावी कर किसी दल आज कांग्रेस हाथ मिल तेज महामेंट कौन विचारधारा नुहे बर केवल निज अस्तित्व रक्षा लगी हो दिल्ली में 2019 लोकसभा निर्वाचन लागि बूथ स्तर कर्मकर्ता मंत्र बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह दिल्लीर इंदिरा गांधी स्टेडियम आयोजित सभा में 13,000 बीजेपी कर्मी को संबोधित करने अवसर अमित शाह सिख दंगा नेशनल हेराल्ड और राफेल डील मामलें कांग्रेस को टार्गेट कर अवसर शाह 1977 जनता दल आंदोलन को मन पक 2019 निर्वाचन में वंशवाद और जातिवाद राजनीति शेष हो का जो चुनाव होने जा रहा है ये कोई आम चुनाव नहीं होने वाला। चुनाव दो प्रकार के होते हैं, जो तत्कालीन असर छोड़ते हैं, 5 साल के लिए का चुनाव होता है, और कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जो युग को बदलने वाले चुनाव होते हैं। जैसे सन 1977 में एक चुनाव हुआ था, कांग्रेस की तानाशाही को जनता पार्टी के नाम से इस देश की जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया था, इसने इस देश के अंदर लोकतंत्र को मजबूत किया। और ये 2019 का चुनाव है, ये 2019 का चुनाव भी वंशवाद, जातिवाद और तुष्टिकरण की राजनीति करने वालों की कॉफिन पर अंतिम किल ठोकने का चुनाव है। मित्रों, साबरीमाला अयप्पा मंदिर में महिला भक्तों को दर्शन को नहीं पूरी विवाद पूरी थरे कार्यकारी हुई नहीं सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। चेन्नईर किसी महिला अयप्पा दर्शन पर साबरीमाला जाता बेले रक्षणशील भक्त मान जोरदार विरोधर सम्मुखीन होती फल निराश हो फेर पड़ी तेज उत्तेजना दृष्टि सुरक्षा व्यवस्था आहरी कड़ाकड़ी कर साबरीमाला मंदिर में दर्शन को नहीं पुणी विवाद पुणी थरे निषिद्ध बयस श्रेणीर महिला भक्त माने भगवान आयप्पा दर्शन बिना निराश हो फेरी। चेन्नईर मनीथी नामक एक संगठन पक्षर साबरीमाला जाइथिबा 11 महिला भक्त को प्रबल विरोधर सामना करबाकु पड़ी। कड़ा सुरक्षा मध्य पुलिस टीम सहायत महिला भक्त माने पंपा बेस क्यांप्रु ही निराश हो फेरी आसी। महिला भक्तों प्रवेश विरोध में विक्षोभ करुवा 2 डजन अधिक विक्षोभकारी गिरफ्त कर मनीथी संगठन सहित जड़ित 11 महिला पंपा बेस कैंप्रे पहुंचा मात्रे ही रक्षणशील आयप्पा भक्त विक्षोभ आरंभ कर फल महिला भक्त को बाध्य से फेर पड़ा पुलिस से सुरक्षा देवे विफल होता महिला भक्त अभोग कर उत्तेजनापूर्ण स्थिति को नजर में रखी पथाना माथिटा जिले में जारी धारा 144 को डिसेंबर 27 पर्यंत वृद्धि करा कौन प्रकार अप्रीतिकर परिस्थिति एड़ाइवाई बहु संख्या रे पुलिस कर्मी मुतयन होती। वार्षिक मंडल पूजा आयोजन पूर्व भगवान आयप्पा मंदिर में प्रबल भीड़ परिलक्षित होती। शुक्रवार लक्षेरु अधिक श्रद्धालु साबरीमाला पहुंची आगामी दिन में भीड़ आहुरी बढ़िबार संभावना रही। साबरीमाला आयप्पा मंदिर में 10-50 वर्ष बयसर महिला भक्तों प्रवेश उपर कटकणा को एक वर्ष सेप्टेम्बर में उठाई देते सुप्रीमकोर्ट किंतु आयप्पा मंदिर रक्षणशील पूजक और भक्तों प्रबल विरोध जो सुप्रीमकोर्ट का आदेश कार्यकारी करना राज्य सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया।